अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, चौधरी निसार की सियासत में एंट्री 3 साल बाद नजर आई। सियासत में हलचल भी हुई, 3 से 4 दिन बड़ा मौजू भी बना रहा। आज हल्फ उठाने की बात भी हुई, लेकिन हल्फ ना उठा सके। डिप्टी स्पीकर ना मौजूद, स्पीकर भी गायब। दोनों की ना मौजूदगी की वजह से, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वजह से पंजाब असेंबली में आज हल्फ ना उठा पाए। हल्फ उठाते तो कुछ ये बयानिए सामने आ रहे थे कि जी हो सकता है कि पंजाब की सियासत में हलचल आ जाए, हो सकता है कि उस्मान बुज़दार साहब बाहर चले जाएं। उनको बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं यकीन दहानी कराई है कि जी वो बनने जा रहे हैं पंजाब के सीएम, यानी कि पंजाब के वजीर आला। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा हो सकता था? दूसरी तरफ क्या मामला, इस पर तो मैं बात करूँगी। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ के जो अशाइया जो कि उन्होंने आज दिया हुआ है, उससे क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की दूरियां खत्म होंगी, ये भी सवाल उठता है। साथ ही साथ पीडीएम का अगला लाए अमल क्या होगा, शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को जो दावत दी है उसका मकसद क्या है, ये वो सारे सवाल आते हैं जी, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कौमी असेंबली का सेशन जारी, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी, सिंध असेंबली का आज इजलास हुआ, वहां भी बड़ी गर्मा गर्मी नजर आई। तो ये सारे जो सारे इश्यूज हैं, आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा हलचल नजर आ रही है और सेशंस में भी हमें क्यों नजर नहीं आ रहे कि जी एक पेज पर हो अपोजिशन और हुकूमत एक पर ना, फिर जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दौरा रहा और वापस जहां से जब वो वापस आए हैं, तो बड़ा उनकी नज़र में और हुकूमत की नज़र में बड़ा कामयाब दौरा है। लेकिन अगेन अपोजिशन इस दौरे को भी बना रही है मुतनाज़े और कहती हुई नज़र आ रही है कि जी दौरा जो है वो किसी तौर से कामयाब नहीं है। बहरहाल इन सारी चीज़ों पे बात तो करूँगी, लेकिन यहाँ एक बात और वाजे बताने का के लिए ज़रूरी है पॉइंट, और वो ये है कि एंटी करप्शन ने रिंग रोड स्कैंडल पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। रिंग रोड स्कैंडल वही है जिसको दूसरा पैनामा भी कहा जा रहा है, और वजीर आजम के लिए, यानी कि वजीर आजम इमरान खान के लिए उनके अपोजिशन के लोग नाकदीन कहते हैं कि जी इसकी वजह से वजीर आजम इमरान खान साहब की पूरी सियासत 360 एंगल चेंज हो सकती है। आखिरकार इस रिंग रोड स्कैंडल में है क्या, और इसकी जिसकी तहकीकात अब शुरू हो गई है, एंटी करप्शन ने भी शुरू कर दिया है। डीजी एंटी करप्शन चूंकि पंजाब मोहम्मद गौहर ने तहकीकाती टीम तश्कील दी है जो कानूनी तकनीकी और माशी माहरीन पर मुश्तमिल है, जो कि तर्जुमान ये बता रहे हैं। तो क्या होगा इसका हाल, क्या ये भी चीनी स्कैंडल और ख़ासतौर पे आटा स्कैंडल और जो दीगर स्कैंडल थे उसकी तरह नज़र हो जाएगी, या फिर इसके ऊपर भी कोई खासा रिएक्शन आएगा और हुकूमत इसके ऊपर भी कोई ठीक तरीके से जो है वो अपना मौकफ इख्तियार करेगी? वेल, इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, मजीद भी चीज़ें जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। बट बिफोर गोइंग टू इट, आई विल गो एंड इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, मेरे साथ सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हैं, मावन खसूसी है वजीर आला सिंध के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सैयद रियाज हुसैन शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन करें ऑल द वे फ्रॉम लाहौर जी उस्मा कारदार साहिबा हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहूंगी। वेलकम उज़्मा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी थैंक यू रिदा फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, एहसन इकबाल साहब भी आज बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हुए हमें नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब से शहबाज शरीफ साहब वापस आए, कमबैक किया उन्होंने लास्ट सेशन से, हमने देखा जिस पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की फलस्तीन के बारे में भी और सारी चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं अपोजिशन को अगेन गैदर करने के लिए वन प्लेटफॉर्म पे। पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं रही है उसको भी करीब करने की बातें हो रही हैं, इशाया भी दिया है। अभी तक तो जो अपडेट सारी पीडीएम की वो शुरू नहीं हुई है इजलास, लेकिन चूंकि जैसे थे सेशंस चल रहे थे, सेशंस ही बहुत लेट हो गए आज सब तरफ, तो क्या वाकई पीडीएम को इकट्ठा करने की, पीपल्स पार्टी को करीब लाने की शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें हैं, और पीछे मकसद क्या है, वापस से पीडीएम को मुत्तहिद करना है हुकूमत के खिलाफ, या जो पीपल्स पार्टी कहती थी कि जी हम पीडीएम के बगैर भी हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, उनका बयान यही चलेगा? जी आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए। बात दरअसल यह है कि ये बात तो तय है कि जून के अंदर बजट ने पेश होना है, और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 10 या 11 जून को जो है ना मरकज़ का बजट
और प्लस जो फिर सूबाई बजट की जो डेट है वो बाद में आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि बजट से पहले अपोजिशन का एक जगह जमा होना, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको डिस्कस करना, उस पर कंसेंसस क्रिएट करना सियासतदानों का काम है। और मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये स्टेप लिया बहुत अच्छा स्टेप लिया, उनको ये लेना चाहिए और बजट के मामले में भी बहुत सारे मामलों को डिस्कस करना चाहिए। अब रह गया मामला, सियासत में कोई चीज़ अरफ आखिर नहीं होती और सियासतदान एक दूसरे के लिए नेगोशिएशन का दरवाज़ा खुला रखते हैं। और मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि जो पीडीएम आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि पीडीएम के टूटने से पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का नुकसान था मेरे नज़दीक, और आज भी मैं कहता हूँ कि सियासतदानों को कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि वो जो भी मामलात हैं बैठ के तय करें, मामलात को आगे लेके जाएं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, कल मैं देख रहा था, मेरे ख्याल में स्टेटमेंट का स्टेटमेंट था कि 45,770 अरब पाकिस्तान पर कर्ज़ा हो चुका है, और पिछले 6 महीने के अंदर जो मौजूदा हुकूमत ने कर्ज़ा लिया वो 6.2 बढ़ा है, जो स्टेट बैंक ने तफसीलात दी है, मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो नेगोशिएशन हो रही है या जो एक स्टेप उठाया गया पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं उनके साथ में जो डिनर दिया गया, अच्छा है कि बजट के हवाले से कोई एक लाइन ऑफ एक्शन तय हो, अपोजिशन का क्या रोल होगा, हुकूमत का क्या रोल होगा, प्लस एक जो इस वक्त जो सूरत हाल है जहांगीर तरीन ग्रुप का जो क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि कल के कैबिनेट के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं उससे ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो कहीं नज़दीक आ रहा था उसकी वजह से ये लगता है कि शायद जहांगीर तरीन ग्रुप का अपना एक इजलास होने वाला है, उसमें वो क्या तय करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। और ये ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं उनके दरमियान का झगड़ा है, बेहतर अंदाज में वो समझ सकते हैं कि क्या जहांगीर तरीन उनका साथ देगा या नहीं देगा, उनका ग्रुप उनके साथ चलेगा, इसका फैसला तो वह ये करेंगे। लेकिन पीडीएम का इजलास जो बुलाया गया, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी और जो दूसरी जमात है निचला अवामी पार्टी या क्या नाम है उसका, वो जो अलग हुए हैं, वो मुल्क के इंटरेस्ट में सियासतदान फिर भी एक दूसरे के नज़दीक डिफरेंसेस ख़त्म करके दोबारा आ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम के लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले एक साथ आई थी वो अगर दोबारा एक साथ आती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी बात है कि जो पीडीएम की जमातों के अलग हुए वो ताकतवर लोग जो पहले किसी हद तक बैक फुटिंग पर चले गए थे, जिन्होंने पहली दफ़ा ये तस्लीम किया कि हम एग्जेक्टिव का एक ज़ैली अदारा हैं, उनको पीडीएम के टूट फूट की वजह से उनको फिर एक दफ़ा मौका मिला, इन होने का जो बैक फुटिंग पे चले गए थे वो फिर एक दफ़ा सामने आए। अब आज की जिस तरह सिचुएशन आपको आपने डिस्कस किया कि चौधरी निसार साहब हलफ लेने के लिए गए, तो क्या स्पीकर को डिप्टी स्पीकर को ये पता नहीं था कि उन्होंने ओथ लेना है, और कोई अगर डिफ़िकल्टी उनके रास्ते में थी तो बहुत दिनों से ये बात आ रही थी कि चौधरी निसार ने हलफ लेना है, तो ये पहले मालूमात कर लेते कि उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है नहीं है, पेंडिंग होता तो मेरे नज़दीक ये डेलिब्रेट हुआ, शायद खौफ है कि शायद चौधरी निसार के आने से पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन सी तब्दीली आ जाएगी। ये तो जिनकी बौखलाहट है, जो गवर्नमेंट है जिन्होंने आज उनसे ओथ नहीं लिया और वो ये कहते हैं कि अदालतों से हमने पता करना है कि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कोई नहीं है। स्टे ऑर्डर होता तो आजकल मीडिया एक एक चीज़ आपके सामने लेके आ जाता है, तो मैं ये नहीं समझता कि उनके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर है या नहीं है। तो चौधरी निसार साहब आए थे तो आज उनका वोट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, तो इसका जवाब तो पंजाब के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ही दे सकते हैं कि उन्होंने वोट क्यों नहीं लिया। ठीक है, रियाज हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब आज इशाया रखा है उन्होंने आज, और अब जैसी बात है जैसे ही सेशन खत्म होंगे सो पीपल विल मूव टुवर्ड्स देम, और उसमें ये कि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ साहब और शहरी रहमान का में वफ्त, आपका तरफ से जो वफ्त जा रहा है उसमें सारे तीनों लोग शामिल हैं।
अब क्या कोई नए कंसेंसस की तरफ हम जा रहे हैं, क्या कोई नई उसमें जा रहे हैं, क्योंकि पीडीएम एक तरह से हम देख चुके हैं सब कि किस तरह से ब्रेक हुई, किस तरह पीपल्स पार्टी उससे बाहर आई, और फिर बिलावल साहब के स्टेटमेंट और मरियम साहिबा का जो आपस में जिस तरह से क्लैश, और फिर आप लोग का सबका भी हमने देखा वो एक के बाद एक आए। अब के शहबाज शरीफ साहब के इस शाइये के बाद से कुछ ऑल 360 एंगल चेंज हो सकता है कोई एंगल, और आज जैसे कि हमने अभी यासीन आजाद साहब ने भी इस पर कॉमेंट किया, चौधरी निसार साहब ने हल्फ लेना था नहीं ले सके, वो वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कह रहे थे कि जी उनके हल्फ उठाने से हुकूमत का कोई मामला नहीं है और कोई अनूनी बात भी नहीं है, और कुछ एलिगेशंस भी उन पर लगा रहे थे। सो डू यू रियली थिंक, आप भी समझते हैं, इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा साथ में, दोनों चीज़ों पे कमेंट कर दें, आपको भी ये लगता है कि इट वाज अ डेलिब्रेट मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ना होना, या इट वाज अनइंटेंशनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया अपने शो में। देखें, जैसे कि आज़ाद साहब ने पहले फरमाया कि हर सियासी पार्टी और सियासत में रास्ते खुले रहते हैं, तो अगर शहबाज शरीफ साहब अशैया आज रखा है तो उसमें हमारी पार्टी जाएगी, आपस में बातें होंगी, ये हर सियासी पार्टी का एक हक भी और उनका बात करना का में कोई हर्ज नहीं है। पहले भी देखें, पीडीएम में जब हम अलग हुए थे उसमें भी हमने एक बात रखी थी तब के, जब इस्तीफाओं का मामला था तो हमने कहा कि इस्तीफा एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहले नहीं। इसी थोड़ी हर पार्टी में, पहले जब पीडीएम बना था शुरू में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हमने यही बात की थी कि ये जो इस्तीफा का लास्ट ऑप्शन होगा, और हर पार्टी का एक, चाहे एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमात है पीडीएम में और नून लीग, मगर जो है हर पार्टी का मौकफ अगर हो तो वो उसको आप कंसेंसस से करेंगे और हर किसी की जो है आप उनको राज़ी करेंगे, मर्जी होगी या उनका फैसला होगा तो उनको आप कंसेंसस से दूर करेंगे। तो अगर इन्होंने ज़िद एक चीज़ की थी कि नहीं इस्तीफे लेने और हमें जो है लावल साहब ने लास्ट ऑप्शन रखा था, तो उन पे ही बात ख़राब हुई थी। अब देखते हैं क्या होता है आज जब जाते हैं। दूसरी बात आपने कही चौधरी निसार साहब की, तो ये एक नोन बात है कि दोनों ही का ना होना और उनका हलफ ना होना, ले देते हलफ कर देते, क्या होता उसमें, कोई वजह नहीं थी। अब स्पीकर का भी ना होना और डिप्टी स्पीकर का भी ना होना, और उन पे जो है हफ्ते से बातें चल रही थी कि आज वो जाएंगे, और हमने न्यूज़ भी सुनी थी कि अब उनको रोकने की बड़ी कोशिश करेगी हुकूमत, तो इसमें मुझे बौखलाहट ही लग रही है और कुछ नहीं। अच्छा, आपको भी बौखलाहट लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। मैं उस्मा कारदार साहब की तरफ जाती हूँ। उस्मा कारदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल। अब ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज पीडीएम की एक तरफ तो इशाइये चल रहे हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन बहुत तनकीद भी कर रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, एक तरफ आप लोग को ये भी सामना है जिस जहांगीर तरीन साहब वाले ग्रुप का किस तरह से वो भी सामने नजर आ रहा है, इस सारे मामले में क्या वाकई कुछ हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा है, कोई वाकई धड़ेबंदियां हो रही हैं, और जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बाहर अपने जो उनका दौरा था अभी बैरून मुल्क में, वहां भी खड़े होकर जहांगीर तरीन ग्रुप को जिस तरह से और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने पार्टी वर्कर से वहाँ बात करते हुए, उससे तो वाकई नज़र आ रहा है कि देर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड द पार्टी, जब भी हर कोई उस पर कह रहा है। फिर फवाद चौधरी साहब का पंजाब जाना, खासतौर पर मिलना उस ग्रुप से, सो वॉट इज़ द एक्चुअल कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज थिंग्स? देखिए, पार्टीज जो हैं डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं, उनमें सबकी जो राय है वो मुख्तलिफ भी हो सकती है, हर पार्टी के ग्रुपिंग भी होती हैं, लेकिन वो सारी ग्रुप जो हैं उनके ताने बाने ऊपर जाकर एक लीडर से मिलते हैं। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि हमारी पार्टी में जो बाकी पार्टीज की तरह दो तीन ग्रुप्स हैं, लेकिन सबका जो लीडर है, सब ने अलग इलामिया कहा है कि हमारे लीडर इमरान खान हैं। तो जो उनकी ग्रीवेंसेस थी, जो उनके कंसर्न्स थे, और वो मीडिया पे भी खुल के आ गए सामने, तो उसका नोटिस कर लिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने क्लियरली पीएम साहब ने ये कहा कि मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, जब बाकी अपोजिशन के साथ भी करता तो मैं अपने लोगों के साथ कैसे नाइंसाफी कर सकता हूँ। तो फिर जाहिर है मुजाकिरात भी हुए, वो लोग यहाँ पे मिले पीएम से, फिर यहाँ पे वाज चौधरी आए, उनके लिए यहाँ पे खाना, तो सारे मामला जो है वो मिल बैठ के, सीएम साहब से भी उस ग्रुप की मुलाकात हुई है,
और जो पंजाब हुकूमत के हवाले से उनके तहफात थे वो भी दूर कर दिए गए हैं और अब मामला जो है बिल्कुल सेटल डाउन हो गया है। इसीलिए अब आपकी ब्रेकिंग न्यूज पर आपको और ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज पर खत्म हो गई है। तो आज आप लोगों ने जो पीडीएम की जो बात है, देखिए पीडीएम का जो इतिहाद है वो बिल्कुल गैर सुथरी इतिहाद था, गैर सुथरी इतिहाद रहेगा। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और उनकी जो पॉलिसी है वो इन हाउस चेन में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि बी पार्ट ऑफ द सिस्टम और सिस्टम में रह के आपने जो भी करना है वो करें और मैदान खाली ना छोड़ें। दैट विल मेक सेंस आल्सो। अब ये जो बाकी ढूंढ ली गए इनकी इस्तीफों की सियासत चल रही होती है, वोट को इज्जत की कहानी तो ये करते हैं लेकिन वोट को इज्जत जब देने की बारी आती है तो फिर ये कहते हैं हम इस्तीफे दे देंगे, हम मुचाना कर देंगे जिसका। और इसके अलावा जो एक जो मौलाना साहब की वो स्टेक होल्डर उनके जो ढाई की थोड़ी सी सीटें हैं तो उनका तो कोई नुकसान या इसमें स्टेक इतना ज्यादा है नहीं। और बाकी जमाते जो है बहुत सारी जो है एक्सेप्ट फॉर दी थ्री फोर पार्टी बाकी तो पार्लियामेंट में है ही नहीं, तो वो इसके बारे से तो बहुत पहले हवा निकल चुकी है। ठीक है आए बैठे अगर ये दोबारा वहाँ इन लोगों ने इतने फोन कॉल देखे और इतने जनाब वाह वेला करने के बाद अगर ये फिर आके तो आप इकट्ठे बैठ रहे हैं ये भी देख लें, इसका भी कुछ नहीं करना, ये भी आखिर में यही होना है कि मेरे मैं साउथ में तुम नॉर्थ में, मैं वेस्ट में तुम ईस्ट में, तो ये इनकी कहानी थी ना तो चलती रहेगी सारी। बाकी आपने अच्छा एक चीज मैं एक चीज और यहाँ सवाल करना चाहूंगी आपसे, आपकी इजाजत हो तो, आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई हो उसमें। देखिए ब्रेकिंग न्यूज की जहाँ बात आप कर रही हैं वहीं पे सवाल एक्चुअली करने का मकसद ही यही है पंजाब की तरफ से, और आज आपको बुलाने का भी मकसद, प्रोग्राम में मधु करने का मकसद भी उज्मा यही है कि देखिए पाकिस्तानी सियासत का एक तर्ज सियासत है, एक ट्रेडिशन है जिसको हम देखते हैं और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है पंजाब की गवर्नमेंट का। पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है कमो बेशतर हमेशा हमने देखा है कि जी पूरे सूबे पूरे मुल्क में उसी की हुकूमत होती है। पंजाब में जो सीएम होता है उसकी इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सबकी नजरें उसके ऊपर होती हैं क्योंकि पंजाब वैसे ओवरऑल देखें ना आप हुकूमत करने के एतबार से और लिहाज से एक बड़ा सूबा होता है और फेडरल का उसके साथ बड़ा किरदार होता है। तो जो जहाँ पे हमने चौधरी निसार का जो स्टेटमेंट खासतौर पर इस हवाले से था जो उन्होंने परसों दिया हल्फ उठाने के एतबार से, जो उन्होंने बताया भी और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरा हल्फ उठाने का फैसला भी एक सियासी डेवलपमेंट के पेश नजर किया गया है, तो वो सियासी डेवलपमेंट अगर होती है जिसकी वो जिसकी तरफ वो इशारे कर रहे हैं, जिसकी तरफ वो इंदिहा दे रहे हैं, फिर उसके बाद वहीं से जहांगीर तरीन साहब भी अपना एक ग्रुप लेकर उभर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर होती है तो इट मीन्स के कोई चेंजेस होने जा रही है क्या उस्मान बुज़दार साहब के हटने की और इनके सीएम बनने तक की जो कहानियां और जो चीजें चल रही हैं क्या वो कोई डेवलपमेंट ऐसी हो सकती है, क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज वहां से हमें मिल सकती है? आप लोग बशमूल ऑपोजिशन के पिछले 30 साल से ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो 3 साल अब गुजर गए हैं, अगले 2 भी गुजर जाएंगे। देखें गुलजार साहब के पीछे जब तक इमरान खान साहब खड़े हैं, जब तक सीएम उनके पीछे खड़े हैं उनको कोई उनका उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह से कायम और गायब रहेंगे। अच्छा एक बात बता देना उस्मान, आप लोग क्या उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? असल में लोग दुखी दिल और जज्बात और एहसास को लाके उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं ना, मतलब दबे लफ्जों में भी अगर कोई कह रहा है तो उनको इससे मसला नहीं कि उस्मान बुज़दार साहब कह लेंगे, उस्मान साहब की परफॉर्मेंस क्या है लोग तो ये पूछ रहे हैं ना। एक शहबाज शरीफ साहब थे जब सीएम थे वो उन्होंने क्या क्या किस तरह से एक्टिव होकर वो फिरते थे, और एक उस्मान बुज़दार साहब है जिनको बतौर मतलब बकौल वजीर आजम इमरान खान साहब वो तो कहते हैं उनको वसीम अक्रम प्लस टू, लेकिन क्या उनकी वाकई परफॉर्मेंस ऐसी है? तो अपनी ही पार्टी से क्यों फिर ये वॉइसेज रेज अप हो रही है उनके खिलाफ, उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ? जो है पंजाब हुकूमत जो नोन बात है सबके सामने, हाँ। कोई उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो वो इमरान खान साहब के ऑर्डर्स आते हैं वहीं से पंजाब हुकूमत चल रही है, वसीम अकरम प्लस का कोई रोल है ही नहीं। अच्छा, और तभी उनके जो है वो जो एमपीएस हैं सारे नाराज हैं, ग्रुप बन रहे हैं उसके। अच्छा जी यासीन साहब आप भी कुछ कहते हैं? जी मैं ये कह रहा था अभी कहा कि गैर फितरी इतिहाद है पीडीएम का, हाँ। तो जब तायरुल कादरी का और तहरीक इंसाफ का इतिहाद था तो वो गैर फितरी था या नहीं, नंबर वन। नंबर टू आज जितनी मरकज में हुकूमत है या पंजाब में है
कम अज कम या बलूचिस्तान में जो पीटीआई की हुकूमत है क्या वो गैर फितरी इताद पे है या नहीं है, क्या एमक्यूएम का या पीटीआई का कोई अंडरस्टैंडिंग थी। ये तो एक दूसरे को चोर और डाकू कहते थे और आज साथ हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है कि पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह आपने अभी खुद कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कल जो न्यूयॉर्क में एड्रेस किया जी, और जिस तरह उसने जहांगीर तरीन ग्रुप पे अटैक किया, इसका मतलब ये है कि क्लियर करें हो या तो नहीं हो, ये नहीं होता कि तो हो भी और नहीं इनका तो पीटीआई वाले जो है ना अपने आप को बड़ा पाक दामन कहते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं देखता जब तक पीटीआई वाले लोगों को बुरा भला ना कहें, उनको टॉक शो में मज़ा नहीं आता। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरह रिंग रोड का आपने हवाला दिया 131 अरब रुपये का फ्रॉड है, और आज दिन को जो स्लाइड चली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसमें जुल्फी बुखारी के मुतल्लिक आया कि उसकी बहन की ज़मीन है, जो सरवर खान है उसका बेटा वहाँ फलां आदमी के साथ पार्टनर है। अब ये तमाम चीज़ें, और उस मंसूबे की अप्रूवल किसने दी? कम अज़ कम वो आर्डर की कापी सामने ला के लोगों को बताएं। वो अप्रूवल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी मंसूबे को फाइनली अप्रूव करने से पहले उसकी डिटेल में वेरिफिकेशन नहीं करते? और ये कहाँ का दस्तूर है कि आपका लोग फ्रॉड करें, इंटीग्रेप्शन और FIA करें, और दूसरों का मामला आए तो वो इनैब करें? ये तो इंटीग्रेप्शन का केस ही नहीं है, ये FIA का केस ही नहीं है, ये केस है नैप का। वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ आपको पता है कि आपके लोग जो इन्वॉल्व होते हैं और क्या करते हैं कि जितने लोग आपके फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं आप उसके क्या करते हैं, या तो FIA से इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं या नैप से उससे इंटीग्रेप्शन से इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, और बाद में कहते हैं देखें हमने रिपोर्ट सामने ला के दे दी। ये ड्रामेबाजी खत्म कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक्चुअली कमर्शियल ब्रेक है, मुझे जाना जरूरी है, फिर उसके बाद वापस आ रही हूँ मैं, इसको आपसे कंक्लूड कराती हूँ और उस्मा की तरफ भी जाऊंगी। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाज़रीन, और मैं उज़्मा से बात कर रही थी, सवाल कर रही थी कि दौरान सवाल लाइन डिस्टॉर्शन हो गई थी। अच्छा चलें, उज़्मा जैसे ही आती हैं तो मैं उज़्मा से दोबारा बात करती हूँ और उनसे सवाल अपना करूँगी। लेकिन यासीन साहब और रियाज सैन शाह साहब यहाँ बैठे, तो रियाज साहब कुछ कंक्लूड करना चाह रहे थे, कोई अपना स्टेटमेंट। जी रियाज, अभी आप जो कहना चाह रहे थे वो बताइएगा। जी जी, मैं यही कह रहा था जैसे आज़ाद साहब और आप फरमा रहे थे उसमें कि इनका जो इंक्वायरी होती है क्या, मगर उसमें ओहदे से सिर्फ बुखारी साहब को फारिग किया, वो मंसूबा अभी भी उनका चल रहा है। और इन्होंने अपने जो बेनिफिशरीज, और ये जब से इमरान खान आए हैं तो अपने बेनिफिशरीज को फ़ायदा दिया है, इनको आगे किया है, इनके हर जो दोस्त यार हैं उनको प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, और जब वो फंसे हैं तो उनमें जैसे आज़ाद साहब ने फरमाया कि हमारे लिए नैब, उनके लिए FIA और दूसरी एंटी करप्शन और इनकी इंक्वायरीज होती हैं, इनके अपनों के लिए कोई नहीं होती। हमारे एक एक मेंबर, एक एक वजीर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन है उनके लिए नैब के केसेस चल रहे हैं, कोई भी बचा हुआ तकरीबन नहीं है। इनके ऊपर जो नैब के केसेस हैं वो कोई खोलने को तैयार नहीं है, उन पर जो है धूल चढ़ गई है, उनके बुक्स नहीं खुल रहे, उनके वही केसेस नहीं खुल रहे, इनके सारे वजीर घूम रहे हैं, इनके पुराने खटक साहब और इन पे जो केसेस चल रहे हैं उनको कोई देखने को तैयार नहीं है। अलीम खान छूट के बाहर आया तो उनको भी जो आज तक फिर कोई और कुछ पूछा नहीं किसी ने, और इनके वो काफी लोग हैं इनके, मगर उनपे ये कहते हैं ना हमारे ऊपर सिर्फ नेपगर्दी और ये चीजें हैं, अपनों को फायदा। इनके काफी ऐसे स्कैंडल हैं जैसे कि CPAC वाला हुआ था, उसमें भी जो है ओहदे से फारिग हुए, एक ओहदे पे बरकरार, ये बुखारी साहब भी फारिग हुए, इनके भाई मिनिस्टर, तो अब इनको क्या कह सकते हैं, लोगों के सामने है सारा कुछ। अच्छा ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अपने लिए दूसरे लॉज हैं और ऑपोजिशन के लिए दूसरे कानून हैं। मैं उज़्मा की तरफ जाऊंगी। उज़्मा आवाज आ रही है ना अब आपको? जी रिदा मुझे आ रही है। हाँ, अच्छा उज़्मा मैं आपसे सवाल कर रही थी, मेरा सवाल बीच में चुके कट हो गई थी, लाइन डिस्टॉर्शन थी देवस, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। मैं आपसे इस वक्त सवाल पूछ रही थी, मैंने कहा आप खुद बताएं अपने दिल पर हाथ रख के कि क्या उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं, क्योंकि आपकी अपने पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ मुखालफत सामने आ रही है, उनके खिलाफ आवाज सामने आ रही है, और फिर जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल भी खड़े होके एक तरफ जहांगीर तरीन वाले ग्रुप को भी बड़ा
उन्होंने सुनाई है बातें कि जी या तो आप पार्टी में हैं या तो नहीं है, कोई एक बात कर लें, ये क्या है कि जी हैं भी और नहीं भी हैं। तो ये जो इस तरह की मुखालफतें आ रही हैं, क्योंकि पंजाब इज ऑलवेज, हमेशा हम देखते हैं कि जी वो मरकज रहता है, सेंट्रल ऑफ दी पॉलिटिक्स होता है, उसका लिंक्ड होता है फेडरल के साथ, और उसकी उसमें जो रूल कर रहा होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। इस वजह से जो ये बात सारी हो रही है वो इस वजह से भी ये महवर बनी हुई है। जी जी रिदा, ये तो 100% आपने दुरुस्त कहा है कि 60% जो पाकिस्तान है वो पंजाब है, पंजाब दिल है पाकिस्तान का, और जिसके पास पंजाब की हुकूमत होती है सेंटर में भी उसी की हुकूमत होती है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक आपकी दूसरा पॉइंट है, वहाँ मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 23 साल स्ट्रगल की, तो आपका क्या ख्याल है वो पंजाब में एक ऐसे शख्स को लगा के क्या वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे या जाया कर देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। उनको बिल्कुल पता है, उनको बिल्कुल इतराज है, उनको एतमाद है। वो कहते हैं कि मैं पहली दफा मैं एक मिडिल क्लास से मैं एक आम आदमी को लेके आया हूँ, जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जमींदार हैं, इनको हजम नहीं हो रहा है। अगर इंसान गुजार की परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो आप देखें कि हमारे यहाँ पे अब ज़राअत में कितनी आगे एडवांसमेंट हो गई है, हमारा किसान कार्ड का इजरा हो गया है, हमारे मैकेनाइजेशन हो रही है, सोलर सिस्टम लग रहा है, हमारी टनल ज़राअत हो रही है। फिर आप देखें कि हमारा आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है उस्मान, बिल्कुल सुन रही हूँ आपका। आप फिर देखें कि हेल्थ में हमारे इंसाफ हेल्थ कार्ड केपी में तो 100% मिल गया, पंजाब में 65% की पॉपुलेशन को इंसाफ हेल्थ कार्ड मिल गया है और उनको इतनी जबरदस्त सहूलत है इस वक्त सेहत की। फिर आप देखें कि हमारे जो कम से कम 9 अस्पतालों का और 6 हमारे मदर एंड चाइल्ड यूनिट का जो है वो इजरा हो चुका है, हमने कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटीज नई जो हैं उनका इजरा किया है, हमारे जो एजुकेशन में 720 सेकेंड शिफ्ट स्कूल खुले हैं जिसमें बच्चियों हमारी जो हैं जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं उनको मौका मिल रहा था उनको उसमें मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी इस्लाहात जो हैं वो हमने पंजाब में की हैं। अच्छा, ये इस्लाहात हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। उज़्मा, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, कलेक्शन जो है सरप्लस में जा रहा है। उज़्मा, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपके अपने लोग ही क्यों नाराज हैं उस्मान बुज़दार साहब से? सवाल तो ये है क्यों ग्रुप बंदियां हो रही हैं, सवाल ये है क्यों जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग खड़े हुए उनको खास तौर पे राम करने के लिए, यानी कि उनको बिल्कुल कूल डाउन करने के लिए फवाद चौधरी साहब जाते हैं खास तौर पे और वो फिर फैसिलिटेट करते हैं और वो बात करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, ये हलके की सियासत ऐसी होती है किसी भी पार्टी में, आप देखें हर हलके का जो एमपीए या एमएनए होता है वो कहता है तरक्याती फंड मिले ताकि मैं अपने हलके में काम कराऊं ताकि अगले इलेक्शन में भी लोग मुझे एतमाद का वोट दें। तो बहुत सारे हमारे एमपीए थे और एमएनए थे जिनको लग रहा था कि हमें हमारी पजीराई नहीं हो रही है हमारे हलकों में, हमारे जो डीसी हैं, एसी हैं, पुलिस है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसलिए उनकी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई। चीफ मिनिस्टर ने उनको कहा कि जी बिल्कुल आपके तमाम जो गुजारिशात हैं उनको वो देखा जाएगा और आपकी हर तरीके से जो है आपको मदद की जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा। और अब आपने देखा है कि वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल तय हो चुकी है और कोई किसी को अब गिला किसी से भी नहीं रहा। अच्छा ठीक है, चलिए यासीन अज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। यासीन साहब, ये बताएं, अब चूंकि टाइम मेरे पास कम भी रह गया है, क्या इनकी बात से उज़्मा कादर साहब जो कह रही हैं आप इत्तेफाक करते हैं? क्या यही वजह है जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार साहब भी, या फिर आपको लगता है वाकई ये सब कुछ हो रहा है? दूसरी तरफ जिस तरह से अब अपोजिशन इकट्ठा होने को जा रही है, क्योंकि अपोजिशन में खुद भी टूट पड़ गई थी ना, टूट फूट हो गई थी, तो क्या आपको लगता है वाकई अपोजिशन कुछ कर सकेगी अब हुकूमत के खिलाफ? क्योंकि अब तो वैसे भी ये बजट तो पेश हो जाए, ये टाइम भी इनका निकल गया है, अब तो टाइम ही कम रह गया, और फिर कहा जाता है लास्ट ईयर तो होता ही वैसे भी इलेक्शन का साल है, 2 साल भी अब नहीं बचे, तो आप लोगों को लगता है कि ये टेन्योर पूरा हो जाएगा और पूरा करने देंगे? देखें, जब तक टेन्योर पूरा होने का जहाँ तक तलक है, वो जब तक बड़े लोग चाहेंगे उस वक्त तक ये रहेंगे,
जब तक बड़े लोगों का मामला ख़त्म हो जाएगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। आपके पास कौमी असम्बली में टोटल 6 वोटों की अक्सरियत है और आज उनमें से 8 आदमी कट के जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए हैं। मेरे हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर जो एतमाद का वोट इन्होंने बाई वे ऑफ वही मैं कह रहा हूँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपने लिया वो मैंने कहा कि 6 वोटों का है, राइट? 6 वोटों में से 8 आदमी इस वक्त है, मैंने जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप में जाके बैठे हुए हैं। मानते हैं ना, मानते हैं, ये हालात पे डिपेंड करता है कि चूंकि कल कैबिनेट का जो इजलास हुआ उसका रिएक्शन जो जहांगीर तरीन ग्रुप का अभी इजलास होने वाला है वो क्या रिएक्शन शो करते हैं ये बात की बात है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब एक दूसरे के दरमियान बदएतमादी आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा क्रिएट हो जाए, जिस तरह पेडीएम के मतलब आप कहती हैं कि क्या वो एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हमसे तो ज़्यादा क्राइसिस पीटीआई के अंदर हैं। हम हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आपस में बैठ सकते हैं, बेहतर अंदाज में फैसले कर सकते हैं। पीटीआई के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए कौन आगे आदमी आएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर अगर 15-20 वोटों का भी फ़र्क हो ना, और बड़े लोग अगर उस हुकूमत का साथ ना देना, तो वो एक झटके में हुकूमतें ख़त्म होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बात के मुताबिक देखा है, जिस आदमी के पास 6 वोट हैं और हर एक वो थ्रेट करता जा रहा है कि मैं हमें किसी की बात नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आखिर कहीं ना कहीं कोई बैक है जिसकी वजह से वो अपने 6 आदमियों की एतमाद का वोट लेके, और वो जो एतमाद का वोट आपने पार्लियामेंट से लिया था किस अंदाज में लिया था वो तो जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनको बेहतर अंदाज में पता है। तो इत्माद का वोट आपने ले लिया, अभी बजट आ रहा है, इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस है बजट का कि बजट में क्या सूरत हाल पैदा होती है। सपोज़ कल किसी वजह से बजट पास नहीं होता तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो समझने हुई है मुल्क के इंटरेस्ट में यह है कि बजट पास होना चाहिए। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें मुल्क के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि किसी किस्म का कोई अगर बजट के हवाले से क्राइसिस होता है तो उसमें लीडर तो फेस करेंगे ही करेंगे, पब्लिक वैसे ही जो है वो ज़्यादा फेस वो करेगी। आप यकीन करें कि आप तंदूर पे जाएं तो 20 रुपये का इतना छोटा सा नान मिलता है, जिस घर के 6 अफराद हैं या 10 अफराद हैं उनसे जाके पूछें कि वो अपनी गुजर औकात किस तरह से कर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है और किस तरह के लोग हैं कि इनके तर्जमान किराए के जो तर्जमान आते हैं, फरदोस आशिक अवान हो गई, शहबाज गिल हो गया, जिस ट्यून में वो बातें करते हैं वो मेरी समझ से बाहर हैं। ठीक है, कम से कम अपने लोगों को इतनी इंस्ट्रक्शन तो दें कि प्रॉपर वे में बात तो करें कम से कम। चले रियासत साहब आपकी तरफ आऊंगी। बिलावल साहब कह रहे हैं कि आज हुकूमत का 1011वां दिन है, मुल्की मईशत ठीक नहीं हुई है, 90 रोज में मुल्की मईशत ठीक करने का कहा था। लेकिन दूसरी तरफ असद उमर साहब जो कि सिंध में आ रहे थे, सिंध के लिए कुछ डेवलपमेंट की काम कर रहे हैं जा रहे थे, और वो पूरा मामला मैं आज उस पर करना नहीं चाहिए प्रोग्राम, कल करूंगी डिटेल में करना है क्योंकि मैंने तो उस मामले को मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब ने जिस तरह का एक्शन लिया और जो सब कुछ हुआ वो भी सारे सामने है। तो बिलावल साहब को उन्होंने कहा है असद उमर साहब ने आज डायरेक्टली कि जी पीपल्स पार्टी को यहाँ 50 साल हो गए, आप लोगों ने कौन से तीर मार लिए हैं, क्या काम कर लिया है, जो आप पीटीआई की 2.5 साल की हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं आप लोग, सो ये किस तरह का तजाद है असद उमर साहब तो कह रहे हैं। देखें, पीटीआई की 2.5 साल या 3 साल की हुकूमत या ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है उसका तीर उन्होंने ये मारे कि ये सिर्फ मिसाल आप ले लें बाई इलेक्शन से जो पंजाब और सिंध में हुए, उसमें इनका क्या हाल लोगों ने किया है, इससे ही वाजे नज़र आ गया कि इनके इनसे कितने लोग खुश हैं। पहले तो हम कहते थे कि ये सिलेक्टेड हैं और ये कहते थे नहीं हम लोगों की वोट की ताकत से है, तो इनका जो वोट की ताकत थी वो वाजे जाहिर हो गई, और हमने जो तीर मारे हैं वो हमें लोगों ने अभी वोटिंग में साबित कर दिखाया। 40-40 हज़ार की लीड से हम जीते हैं, एक एक सीट माशाल्लाह से, तो ये हमने खिदमतें की है इसलिए लोगों का एतमाद है हम पे। अच्छा। ये खिदमतों का ही सिला हमें मिला है कि हम तीसरी टेन्योर में अभी चल रहे हैं और लोग हमसे खुश हैं, हमारी हुकूमत से खुश है। क्रिटिसाइज तो अपोजिशन का काम है, करती रहती है, मगर हमने काम किया, हमें पता है कि हमने डिलीवर किया है। रही बात असद उमर साहब की या पीएम साहब की, तो उन्होंने तो कई ऐलानात किए, मुझे आप साबित करें कि 1 रुपया अगर हमारे सूबे में लगाओ फेडरल की तरफ से, अभी तक कुछ आया नहीं, यहाँ पर सिर्फ बातें हुई,
हमने जो भी आज तक किया है काम, तो ये अपने बिहाफ पे सिंध गवर्नमेंट खुद कर रही है, और फेडरल की कोई मदद आज तक हमें नहीं मिली। ठीक है उस्मा, आपसे बस मैं चाहूंगी कंक्लूड कर दें इसी पे कि बिलावल साहब कह रहे थे आज हुकूमत का 1011वां दिन है, मुल्क की मईशत कब ठीक होगी, कहा था 90 रोज में मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। आपको पता है रिदा कि 35 साल का जो बिगाड़ है वो 2-2.5 साल में तो मुकम्मल नहीं खत्म हो सकता ना, लेकिन अब हमारा वो जो सिस्टम है वो सही डायरेक्शन में वो स्टेबल हो गया है। देखें हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है अब सरप्लस में जा रहा है, पहली दफा सरप्लस में जा रहा है, वरना हमारा बेतहाशा वहाँ पे गैप था। रिमिटेंसेस हमारी 24 अरब डॉलर से पहुंच गई है, फिर हमारा डॉलर जो है वो भी 169 से वापस 153 पे आ गया है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब हमारे बेहतर हो गए हैं, स्टेबल हो रहे हैं, और अब इसका मैक्रो के बाद माइक्रो लेवल पे भी इसका आम आदमी के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। अभी शौकत तरीन साहब ने कहा है कि हमारी इंशाल्लाह जो ग्रोथ प्रिडिक्ट की गई है वो 3.94 है अगले साल में, और वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हम कोविड की वजह से हम बहुत पीछे चले गए थे, लेकिन आप देखेंगे कोविड में भी हमें WHO ने भी सराहा है, क्योंकि आपने जिस तरीके से जो लिमिटेड लॉकडाउन करके और हॉटस्पॉट को इंडिकेट करके बहुत अच्छे तरीके से कोविड को भी आपने मैनेज किया है। लाहौर में भी देखें हमारी शरह बिल्कुल अब कम हो गई है और काफ़ी हमारा कोविड कंट्रोल में है। अभी सिंध वालों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई ना, जिनका वर्ड है वहाँ पे, बातें तो ये बहुत करते हैं, सिंध वाले बेचारे एक एक बूंद पानी को तरसते हैं, बिजली उनके पास नहीं है, कुत्ते उनको काट रहे हैं, बच्चे घर में वहाँ पे उनकी डेथ हो रही है, तो ये क्या बातें करते हैं, ये हुकूमतें तो करते हैं लेकिन आवाम तो इन्होंने कुछ नहीं कभी दिया। इसीलिए हमें 14 नेशनल असेंबली की सीटें वहाँ पे मिली थी, और इंशाल्लाह अब वहाँ पे तरक्याती काम जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसका वादा किया था वो अब शुरू हो चुके हैं और नजर भी आना शुरू हो जाएंगे इनको। ठीक है, इनको बस यही फिक्र है कि जब हमारे काम नजर आने शुरू हो गए तो इनकी दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। चलें ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़्मा करदार साहब आपका, बहुत शुक्रिया रियाज़ुद्दीन शाह साहब आपका, यासीन आज़ाद साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जी नाज़रीन, वो तो नया इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कौन कितनी दूर की नहरें बहा रहा है और कितना काम कर रहा है। इलेक्शन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ ये 3 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं इस हुकूमत के, वहीं 2 साल अब रह गए जनरल इलेक्शंस में अगर टाइम पर होते हैं तो। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।